तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस के प्रश्न, जो कि हमने एनटीपीसी और ग्रुप डी की वैकेंसी को देखते हुए लाया है। और ये प्रश्न जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप देखिएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। उससे पहले दोस्तों, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये बेल आइकन प्रेस कर दें, इससे आप लोगों को टाइम पर नोटिफिकेशन पहुँचता रहेगा। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करना ना भूलें। ये जो है टोटल 100 प्रश्न है, जो कि आप देख सकते हैं जीके और जीएस के ये टॉप प्रश्न हैं। और उससे पहले दोस्तों ये देख लीजिए आप, ये अनएकेडमी का प्लस ऐप है, इसके द्वारा जो है आप किसी भी प्रकार का अगर कोर्स खरीदना चाहते हैं, अगर अच्छे लेवल पे आप अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आपके अच्छे अच्छे फैकल्टी के द्वारा आपका कोर्स करवाया जाएगा। तो आप जो है किसी भी प्रकार का यहाँ पर देख सकते हैं, आप यहाँ कोर्स का नाम लिखा हुआ है तो आप खरीद सकते हैं। और इसको ख़रीदने के लिए आप जैसा कोर्स होगा उसी प्रकार का मूल्य आपको चुकाना होगा। लेकिन यहाँ देखिए एक कोर्स है 1000 रुपया कोर्स का रेट है। और ये जो है आप अगर हमारे कोड के द्वारा जाते हैं जो द नेक्स्ट लेवल है, तो आपको 900 रुपया में मिलता है, यानी कि आपको 10% का पूरा पूरी डिस्काउंट मिलेगा। अगर किसी भी प्रकार का आप कोर्स ख़रीदना चाहते हैं अनअकैडमी में, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप हमारे कोड के द्वारा जो कि द नेक्स्ट लेवल है जाते हैं तब। तो ट्राई कर सकते हैं आप इसे। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। सी यू की किसकी रचना है, सी यू की पुस्तक का नाम है वो किसने लिखा है, तो ह्वेनसांग ने लिखा है, ह्वेनसांग। और ह्वेनसांग किसके दरबार में आए थे, तो हर्षवर्धन के दरबार में ह्वेनसांग आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्काइलेक्स भारत कब आया था, स्काइलेक्स जो है भारत कब आया था बताना है, तो ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी, तो 1921 में हुई थी और रखालदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महान स्नानागार कहाँ अवस्थित है, महान स्नानागार हड़प्पा सभ्यता में जो है कहाँ स्थित है, तो मोहनजोदड़ो नगर में, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के लोगों को किस जानवर का ज्ञान नहीं था, तो घोड़ा का ज्ञान नहीं था, घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के लोगों का किन सभ्यताओं से संपर्क था, तो यहाँ देख सकते हैं आप किन किन किस में संपर्क था उन लोगों का, तो सुमेरिया, एलम, मेसोपोटामिया, ईरान, बहरीन और मध्य एशिया के लोगों से, ये लोगों से संपर्क थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो कहाँ अवस्थित है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कहाँ अवस्थित है, तो पूरे डिटेल में हमने लिखा हुआ है, आप देख लीजिए कि हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर पंजाब, जो कि पाकिस्तान में अभी पड़ता है, के मोंटगोमरी ज़िले में दक्षिण पश्चिम के लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। ये हड़प्पा की बात हो रही है। अब मोहनजोदड़ो देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो हड़प्पा से लगभग 540 किलोमीटर दूर दक्षिण में सिंधु के कलराना ज़िले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि वैदिक सभ्यता को वैदिक सभ्यता क्यों कहा जाता है, वैदिक सभ्यता को वैदिक सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि वैदिक सभ्यता में वेदों की रचना हुई है, वेदों की रचना वैदिक सभ्यता में ही हुई है। नेक्स्ट है ऋग्वेद के प्रमुख रचयिता कौन थे, ये सब क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है, आप लोगों को लगता होगा बहुत ओल्ड क्वेश्चन हो गया है ये सब, लेकिन एग्जाम में पूछता है तो याद रखिए, एक बार देखने में कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है, 20-22 मिनट का वीडियो है। तो नेक्स्ट है कि ऋग्वेद के प्रमुख रचयिता कौन थे, तो याद रखिएगा आप विश्वामित्र और उग्रश्रवा, ठीक है, विश्वामित्र, यहाँ देखिए पूरा पूरी अच्छा से लिखा हुआ है, उग्रश्रवा का तो नाम नहीं है, देख लीजिए यहाँ देख लीजिए, गृत्तम्द और विश्वामित्र, विश्वामित्र जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये रामदेव भी है, उसके बाद भरतवाज आदि ये सभी थे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है विश्वामित्रा, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि यजुर्वेद का मुख्य विषय क्या था, यजुर्वेद का मुख्य विषय क्या था, तो यज्ञों, उनके विधि विधानों तथा अन्य कर्म दंडों का विवेचना। नेक्स्ट है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और सबसे अधिक उपदेश अपना कहाँ दिया था, तो श्रावस्ती में, ये दोनों बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि बुद्ध का प्रथम उपदेश क्या कहलाता है, तो धर्मचक्र प्रवर्तन, धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है पहला।
नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था, जो कि अभी नेपाल में स्थित है। अब बताइए दोस्तों कब हुआ था जन्म, जो है गौतम बुद्ध का कब हुआ था। देखिए इस बार का जैसा पैटर्न है, 40 आप लोगों को जीके जीएस आएगा, तो देखिए गौतम बुद्ध और महावीर से जुड़े हुए एक ना एक एक या दो प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। किसी भी एग्जाम को आप उठा के देख सकते हैं, जिसमें आप सभी जो है हिस्ट्री और उसके बाद इकोनॉमिक ज्योग्राफी ये सभी अगर पूछा जाता है, तो उसमें एक ना एक प्रश्न, एक या दो भी हो सकता है, गौतम बुद्ध या फिर महावीर से जुड़े हुए जरूर होते हैं, तो अच्छे से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, प्रथम तीर्थकर कौन थे, तो ऋषभदेव थे। प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। अगर वास्तविक तीर्थकर कहेगा तो याद रखेंगे वास्तविक तीर्थकर कौन है, तो महावीर है। नेक्स्ट है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये कुंडल ग्राम में हुआ था, जो कि वैशाली जिले में पड़ता है, कुंडल ग्राम, ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डेट जो है ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों, ये गलत डेट लिखा हुआ है, 540 ईसा पूर्व होगा, ठीक है 540। नेक्स्ट है कि महावीर के पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ था, महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ। अगला है जैन धर्म के कुल कितने तीर्थंकर थे, तो 24 थे टोटल, और आखिरी जो है वो महावीर थे। नेक्स्ट है महावीर के 11 शिष्यों को क्या कहा जाता था, क्या कहा जाता था, तो गंधर कहा जाता था, गंधर, 11 शिष्यों को गंधर कहा जाता था। नेक्स्ट है महावीर ने कैवल्य कहाँ प्राप्त किया था, यानी ज्ञान कहाँ प्राप्त किया था, तो ऋजुपालिका नदी के तट पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऋजुपालिका नदी दोस्तों अच्छे से याद रखना है, ऋजुपालिका नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी, पावापुरी में हुई थी, मृत्यु पावापुरी में हुई थी। अगला है कि हरियक वंश की स्थापना किसने की थी, तो बिंबिसार ने की थी, हरियक वंश की स्थापना बिंबिसार ने। वंश और स्थापना पे एक वीडियो हमने बनाया हुआ है ट्रिक के माध्यम से, आप जाके देख सकते हैं, जरूर फायदा मिलेगा दोस्तों। नेक्स्ट है कि इतिहास में चोल शासक किस प्रकार के प्रशासन के लिए प्रसिद्ध है, चोल शासक, तो वो ग्राम प्रशासन के लिए प्रसिद्ध है, ग्राम प्रशासन। अगला है किस पशु के दूध में सबसे अधिक वसा पाई जाती है, तो रेंडियर के दूध में, रेंडियर के दूध में। अगला है प्याज व लहसुन में गंध इस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है, सल्फर। देखिए ये सब क्वेश्चन VVI है एकदम, याद रखिएगा आप, सल्फर के कारण जो है प्याज और लहसुन में गंध आता है। नेक्स्ट है कि किसे संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की संख्या निर्धारण करने की शक्ति प्राप्त है, तो भारत के राष्ट्रपति के पास, भारत के राष्ट्रपति के पास UPSC की संख्या निर्धारण कौन करेगा, राष्ट्रपति, जो कि अभी रामनाथ कोविंद है। रामनाथ कोविंद कितनेवें राष्ट्रपति है दोस्तों, तो ये याद रखिएगा 15वें राष्ट्रपति है, ठीक है 15वें राष्ट्रपति। नेक्स्ट है कि विथी किस राज्य से संबंधित लोक नृत्य है, विथी, ठीक है ये नया प्रश्न है आप लोगों को सुनने को मिलेगा, तो बताइए क्या है, आंध्र प्रदेश, देख सकते हैं आप आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। कुचिपुड़ी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कुचिपुड़ी, आप लोगों को याद होगा ही, आंध्र प्रदेश का काफ़ी फेमस डांस फॉर्म है कुचिपुड़ी। दोस्तों मैंने कुछ यहाँ थोड़ा इस प्रश्न में जो मैंने बताया था कि राष्ट्रपति अभी कितनेवें नंबर के हैं, तो वो जो है वो 14वें नंबर के हैं, ठीक है याद रखिएगा 14वें नंबर, मैंने शायद आप लोगों को 15वें बता दिया था, और उपराष्ट्रपति जो है वो 13वां नंबर का है, जो कि अभी वेंकैया नायडू हैं। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है, तो 9 वर्ष होता है, 9 वर्ष, और इसका मुख्यालय द हेग में है। मैंने वो राष्ट्रपति वाला जो बताया था वो कार्यकाल के हिसाब से बताया था, इसीलिए थोड़ा गड़बड़ हो गया। नेक्स्ट है कि भारत में स्कूली टीवी का प्रसारण कब प्रारंभ किया गया, स्कूल में टीवी का प्रारंभ कब किया गया था, 24 अक्टूबर 1961। अगला है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट है कि भारत में चिश्ती सिलसिला के प्रवर्तक कौन है, चिश्ती संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला है सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध, ठीक है बौद्ध दार्शनिक कौन था, तो वो नागार्जुन था, नागार्जुन। नेक्स्ट है कि पोरस और सिकंदर का युद्ध कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था, तो झेलम नदी के तट पर हुआ था। सिकंदर ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया था, तो 326 ईसा पूर्व, याद रखिएगा। अगला है किस ईरानी शासक ने सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया था,
साइरस ने। अगला है कि साइरस ने भारत पर आक्रमण कब किया था, तो 558 से लेके 529 ईसा पूर्व के बीच। ठीक है, ईसा पूर्व जो है उल्टा होता है, पीछे जाता है। नेक्स्ट है कि रेडियस ने भारत पर कब आक्रमण किया था, तो 516 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है कि बहिस्तान में किसका शिलालेख है, ठीक है, किसका शिलालेख मिलता है बहिस्तान में, तो रेडियस का। अगला है कलिंग का युद्ध कब हुआ था, तो 661 ईसा पूर्व में हुआ था, 661 ईसा पूर्व। अशोक ने इसी के बाद जो है बौद्ध धर्म अपना लिया था। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु एवं प्रधानमंत्री कौन था, तो विष्णुगुप्त था, जिसे चाणक्य भी कहा जाता है, चाणक्य, कौटिल्य, ये सब कहा जाता है। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर कब अधिकार किया था, 321 ईसा पूर्व में। डेट दोस्तों याद नहीं रहता है, मैं जानता हूँ, लेकिन आप लोगों को एक दो बार वीडियो देख के आप लोगों को डेट याद कर लेना है, एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट है कि ब्राह्मण ग्रंथों में मौर्य को किस जाति का बताया गया है, मौर्य को, तो वो क्षुद्र बताया गया है, क्षुद्र। नेक्स्ट है कि अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से कौन राशि निकाल सकता है, तो भारत के राष्ट्रपति निकाल सकता है। अगला है संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना कब प्रारंभ की गई थी, कब प्रारंभ की गई थी, 13 दिसंबर 1993, ठीक है, ये 1993 जो है यही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, डेट तो याद नहीं रह पाएगा, मैं जानता हूँ, तो ये याद रखिए आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट है रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था, तो मणिकर्णिका। अभी एक मूवी भी आ रही है इसी पे, मणिकर्णिका पे, शायद आ भी चुकी है। नेक्स्ट है कि जवाहरलाल राष्ट्रीय शहरी मिशन कब लागू किया गया था या कब आया था, तो 2005 याद रखिएगा, 2005 में। नेक्स्ट है कि भारत ने प्रथम खनिज नीति कब घोषित की थी, 1961। नेक्स्ट है कि मिरांडा किस ग्रह का उपग्रह है, तो यूरेनस का है, यानी अरुण, ठीक है, अरुण का है, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय परिषद किसे, किसकी इकाई है, ठीक है, किसकी इकाई है अंतर्राष्ट्रीय परिषद, तो ये एक संवैधानिक इकाई है, संवैधानिक इकाई। नेक्स्ट है कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों तथा अध्यक्ष की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है, तो प्रत्येक वर्ष की जाती है, प्रत्येक वर्ष, और इसकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं, भारत के राष्ट्रपति। अगला है इलाहाबाद में कुंभ मेले का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल में किया जाता है, तो 12 वर्ष के अंतराल पर, कुंभ मेला का जो है आयोजन ही 12 वर्ष के अंतराल पर दूसरे स्थान पर किया जाता है। अभी जो है इलाहाबाद में लगी थी, 2019 में ही इसकी आयोजन की गई थी। अगला है कि किस सिख गुरु ने अमृतसर नगर की स्थापना की थी, तो गुरु अमरदास ने, गुरु अमरदास, और अमृतसर में जो है स्वर्ण मंदिर उसे गुरु अर्जुन देव ने बनाया था। नेक्स्ट है कि भारत में स्व जल धारा कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया, स्व जल धारा कार्यक्रम 2002 याद रखिएगा, 2002। नेक्स्ट है कि कार्बन डेटिंग से किसकी आयु का निर्धारण किया जाता है, जीवाश्म का किया जाता है, जीवाश्मों का, ठीक है, कार्बन डेटिंग के द्वारा, और रेडियो डेटिंग के द्वारा किसका किया जाता है, रेडियो डेटिंग के द्वारा जो मृत होते हैं उनका, ठीक है। नेक्स्ट है कि छठी पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ कब हुआ था, 1980। नेक्स्ट है कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी देशों को कितने वर्षों के लिए चुना जाता है, 2 वर्षों के लिए चुना जाता है, 2 वर्ष। अगला है कि स्वचालित इंजनों में से किसे हिम निरोधक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो एथिलीन ग्लाइकॉल, जो कि शराब के रूप में भी पाया जाता है। नेक्स्ट है कि इंसुलिन के अतिस्राव से कौन सा रोग होता है, कौन सा रोग हो जाता है, तो हाइपोग्लाइसीमिया, और इंसुलिन की कमी के कारण डायबिटीज होती है। नेक्स्ट है भारत में लोक सेवा आयोग का व्यय किस पर भारित होता है, किस पर भारित होता है, तो देख सकते हैं आप राज्य की संचित निधि पर। नेक्स्ट है कि सूर्य से चौथा
कम दूरस्थ ग्रह कौन सा है? तो मंगल है, सूर्य से देखा जाए तो मंगल है चौथे नंबर पर। नेक्स्ट है कि दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। अगला है देख लीजिए कि किस रंग का कांच में प्रकाश का चाल सबसे कम तथा अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा? तो बैगनी में होगा, बैगनी कांच में, ठीक है, बैगनी में। अगला है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का अंतिम स्वरूप कब प्रकाशित किया गया था? अंतिम स्वरूप कब प्रकाशित किया गया था? 1952 में। स्टार्ट तो हुआ था 1951 में ही, लेकिन उसका अंतिम स्वरूप जो है पूरी तरह से बनाकर तैयार किया रखा गया था 1952 में। नेक्स्ट है कि सिनेमा घर में त्रिविमीय चित्रों को दिखाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि 3D फिल्म दिखाने के लिए? तो पोलराइड का चश्मा दिया जाता है। नेक्स्ट है भारत के किस शहर में 4 स्टार श्रेणी का प्रथम तैरता हुआ होटल निर्मित किया गया है? कोलकाता में। कोलकाता में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2018 में ही इसकी नींव रखी गई थी, यानी कि शुरू किया गया था इसका। प्लानिंग एवं एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? प्लानिंग एंड द पुअर, तो बी एस मिन्हास। नेक्स्ट है कि दुनिया में घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन है? किंग कोबरा, किंग कोबरा। अगला है लोधी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी। और लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी। अगला है कि कंदरिया महादेव मंदिर तथा चतुर्भुज मंदिर किससे संबंधित है? तो खजुराहो से संबंधित है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित भी है, ठीक है। अगला है कि राज्यसभा का कौन पदेन सभापति होता है? उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार के चट्टानों में की जाती है? तो पातालीय आग्नेय सेल में है, ठीक है, आग्नेय सेल में। अगला है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन थे? कौन थे? सुमित्रानंदन पंत थे, सुमित्रानंदन पंत। हिंदी लिखा हुआ है, ये आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ हिंदी लिखा हुआ है, नहीं तो जी शंकर कुरूप आंसर हो जाता है इसका। अगला है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की है? तो अवधी भाषा में की है, अवधी भाषा। नेक्स्ट है स्त्रियों को भिक्षुणी बनाने का अधिकार किसने दिलवाया? किसने दिलवाया? तो बुद्ध के शिष्य आनंद ने, आनंद ने। बिंबिसार का पुत्र कौन था? अजात शत्रु। बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, याद रखिएगा, ठीक है, बिंबिसार कहा गया है, बिंबिसार। नेक्स्ट है कि अजात शत्रु के पश्चात मगध के सिंहासन पर कौन बैठा था? तो उदायन बैठा था, उदायन। अगला है कि मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? विराटनगर, विराटनगर। नेक्स्ट है कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक हर्यक वंश का प्रथम शासक कौन था? तो बिंबिसार मैंने बताया था, और अंतिम शासक था नागदशक, नागदशक। अगला है पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो उदायन ने की थी, ठीक है, उदयभद्र नहीं होगा, उदायन होगा, उदायन, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो धनानंद, धनानंद होगा। नेक्स्ट है कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? सिकंदर ने भारत पर मैंने बताया था अभी 326 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है सिकंदर का गुरु कौन था? अरस्तु, सिकंदर का गुरु अरस्तु था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सिकंदर के पिता का नाम क्या था? सिकंदर का पिता का नाम क्या था? तो फिलीप, फिलीप था, फिलीप। नेक्स्ट है राजस्थान की किस जनजाति ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया था? तो मीना, मीना जो जनजाति है उसने भाग लिया था, राजस्थान के काफ़ी प्रमुख जनजाति है ये मीना। अगला है कि केंद्रक में अधिकांशतः क्या पाया जाता है? तो DNA पाया जाता है, DNA। अगला है एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण लग सकते हैं? तो कितने लग सकते हैं एक वर्ष में? 7, अधिक से अधिक 7। नेक्स्ट है कि गाय तथा भैंस के थनों में दूध उतरने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटॉक्सिन का, ऑक्सीटॉक्सिन, जिस पे अभी बैन भी कर दिया गया था, मगर दिल्ली सरकार जो है उस पे बैन हटा ली थी। नेक्स्ट है कि मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त की जाती है? तो पाई में लिया से, ठीक है, पर मेलिया, पर मेलिया, याद रखिएगा, पर मेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है
प्रथम पंचवर्षीय योजना में कितने रुपये व्यय करने की व्यवस्था की गई थी? कितनी? दो हज़ार तीन सौ अठहत्तर करोड़। नेक्स्ट है, और ये हेराल्ड ओमर पे आधारित भी थी, याद रखिएगा आप लोग, पहला पंचवर्षीय योजना हेराल्ड ओमर विधि पर आधारित थी और दूसरा पीसी महलनोबिस पर। नेक्स्ट है कि जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुआ था? तो औरंगजेब के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति निहित है? तो 123 में। और किस अनुच्छेद में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? तो 213 में। ठीक है, इसी का उल्टा हो जाता है 213, याद रखिएगा 213। अगला है, लिटमस एक प्रमाणित रंजक है, यह किससे प्राप्त किया जाता है? लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। अगला है, मौर्यों को क्षत्रिय किसने बताया था? मौर्य को जो है वो क्षत्रिय किसने बताया था? तो बौद्ध धर्म ग्रंथ ने, बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ थे उनमें बताया गया था। अगला है, चाणक्य ने किस वंश को नष्ट करने की कसम खाई थी? तो नंद वंश। नेक्स्ट है, इंडिका पुस्तक किसने लिखा था? मेगास्थनीज ने लिखा था। अगला है, मुद्राक्षस के लेखक कौन थे? यहाँ है तो विशाख, मुद्राक्षस के लेखक, थोड़ा यहाँ गलती हो गया, विशाख दत्त होगा। ठीक है दोस्तों, विशाख दत्त याद रखिएगा आप, या थोड़ा गलत लिखा गया था। नेक्स्ट है कि किस अभिलेख से ज्ञान होता है, ज्ञान पड़ता है कि गुजरात पर चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था? तो कहाँ से पता चलता है? तो जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि गुजरात पर जो है चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। नेक्स्ट है कि 324 ईसा पूर्व में पंजाब का राजा कौन था? तो प्रवर्तक था। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त मौर्य का सिकंदर से युद्ध किस स्थान पर हुआ था? तो किसी भी स्थान पर यह युद्ध नहीं हुआ था, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य से सिकंदर का युद्ध हुआ ही नहीं था। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कितने प्रांतों में बटा हुआ था? 4 प्रांतों में। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट है, अशोक का साम्राज्य कितने राज्यों में था? तो 5। चंद्रगुप्त मौर्य का 4, अशोक का 5। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि उत्तरापथ की राजधानी क्या थी? तक्षशिला थी। और आज का आखिरी प्रश्न है कि मौर्य प्रशासन में विभागों को क्या कहा जाता था? तो तीर्थ कहा जाता था, तीर्थ। इसमें आपने हिस्ट्री के प्रश्न आपको अधिक मिला है, क्योंकि हिस्ट्री जो है आपने बहुत दिन से पढ़ा नहीं है दोस्तों। आप लोग को पता होगा ही कि अभी जो एग्ज़ाम आई थी ग्रुप डी की, उसके बाद एएलपी की, तो इसमें सिर्फ साइंस ही पूछा जा रहा था और आपने हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सब बहुत दिनों से नहीं पढ़ा है। इसी के लिए हमने जो है हिस्ट्री के प्रश्न अधिक इसमें डाले हुए हैं। तो ख़त्म हो जाते हैं दोस्तों यहाँ 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।